भूरी श्रभा चीन देशे जनम लभीचि भकत बेसे। अर्थ भूरी श्रभा जो कि महाभारत काल का एक वीर योद्धा था, शिवजी का परम भक्त था, वरदान भी प्राप्त किया था, कौरवों की तरफ से लड़ा था, उसका युद्ध का आस पूरा नहीं हुआ था, वो फिर से इस कलयुग में जन्म लिया है। कहाँ? चीन में। क्यों? क्योंकि उसे फिर से युद्ध करना है। किसके साथ? कल्कि अवतार के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन ओडिशा के दिव्य एवं महान संत गुरु पंचसखाओं के द्वारा रचना की गई ग्रंथों की माला मालिका पर चर्चा करता हूँ, जो कि इस कलयुग का एकमात्र अमृत है। आज का नया अध्याय आरंभ करते हैं। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, पिछले तीन अध्यायों में हम कल्कि लीला का एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा लीला समझ आए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। लता माँ आज हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ मालिका प्रचार करने वाले इस घटना को मालिका से लिंक कर रहे हैं, ताकि कुछ व्यूज़ मिल जाए, ट्रेंडिंग टॉपिक जो है। उनसे निवेदन करूंगा, लोगों को गलत जानकारी देना बंद करें। पहले भी मैं कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, ओडिशा जो राज्य है उसका दिया बुझने वाला है, लेकिन कुछ मालिका के प्रचार करने वाले कह रहे हैं कि भारत का दिया बुझेगा। इसमें बहुत फर्क है दोस्तों, क्योंकि उनमें उतनी हिम्मत नहीं है सच कहने का। उनको डर है अगर सच कह देंगे कहीं उनके ऊपर कोई आक्रमण ना हो जाए। अगर सच नहीं कह सकते तो मत कहो, उल्टा पुल्टा बोल के लोगों को भ्रमित मत करो। मालिका एक पवित्र चीज है, इसको हमें पवित्र रखना है, इसका नाम लेके दुकान नहीं खोलना है। किसने सच ही कहा था, जब तक इंसान साधारण रहता है उसका घमंड जेब के अंदर रहता है। जैसे ही थोड़ा पैसा नाम शोहरत आ जाता है, फिर उसका घमंड सिर चढ़कर बोलता है। तो दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। जैसे ही तीनों दारू विग्रह को ट्रेन से लेके पूरी स्टेशन से निकलेंगे, पीछे से समुद्र उठेगा और ट्रेन का पीछा करेगा। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, उसी समय और एक बड़ी घटना भी होगी। पूरे विश्व में यानी दुनिया का सबसे लंबा डैम, ओडिशा का हीराकुद डैम को दुश्मन तोड़ देंगे। थोड़ा महसूस कीजिए उस समय को, इमेजिन कीजिए। एक तरफ जगन्नाथ प्रभु चले जाएंगे, पीछे से भयंकर सुनामी आएगी और दुनिया का सबसे लंबा डैम हीराकुद डैम को भी तोड़ दिया जाएगा। कितनी भयंकर परिस्थिति होगी। और एक प्रश्न कुछ भाई बहनों ने पूछा था कि अगर जगन्नाथ प्रभु को रसिया लेके जाएगा, वो भी चुरा के, तो उसके अंदर मौजूद ब्रह्म का क्या होगा? जिनको मालूम नहीं, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ जी के लकड़ी के मूर्ति यानी दारू विग्रह के अंदर मौजूद है ब्रह्म पदार्थ यानी सुप्रीम सोल ऑफ द
यूनिवर्स। जैसे इंसान के शरीर में आत्मा होती है, वैसे जगन्नाथ जी के अंदर भी एक आत्मा है जिसको हम ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, इसीलिए हम उन्हें जीवित भगवान मानते हैं। चलिए इसके ऊपर एक अलग अध्याय जरूर बनाऊंगा। तो जो ब्रह्म पदार्थ है वो रसिया चुराने से पहले ही जा चुका होगा, एक गुप्त भक्त जो उसको सुरक्षित लेके जा चुके होंगे। तो रसिया खाली लकड़ी के मूर्ति यानी दारू विग्रह को ही लेके जा पाएगा, असली चीज उसके हाथ नहीं लगेगा। और एक बात है, भूरी श्रवा बीच में कहाँ से आ गया? तो भूरी श्रवा जो है वो चाइना में जन्म हुआ है, अभी चाइनीज आर्मी में एक कमांडर है, और छल करके रसिया के साथ वो भी आएगा जगन्नाथ जी को लेने के लिए। और जब बैरी स्टेशन में ट्रेन का इंजन ब्लास्ट होगा तो भूरी श्रवा इंजन से डिब्बे को अलग कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे मालूम है कि प्रभु के भक्त उन्हें लेके जाने वाले हैं, और भूरी श्रवा पहुंचना चाहता है कल्कि तक ताकि कल्कि को मार पाए। आखिर कल्कि को क्यों मारना चाहता है भूरी श्रवा? क्योंकि महाभारत में उसका मृत्यु का कारण वही श्री कृष्ण जी ही थे, और उसका बदला लेने के लिए वो फिर से जन्म हुआ है। आप थोड़ा सोचिए दोस्तों, कैसे सारे घटना एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और हरि का माया कैसे होता है। तो क्या भूरी श्रवा कल्कि तक पहुंच पाएगा? तो दोस्तों उस दिन तो नहीं पहुंच पाएगा, पर युद्ध की भूमि में जरूर आमना सामना होगा उस दिन। या फिर एग्जैक्टली कहूं तो रात को भक्त तीनों दारू विग्रह को गुप्त रूप से लेके भाग जाएंगे, बैरी स्टेशन से छुपाकर लेके जाएंगे कहां, झाड़ेश्वर कौड़ी, जहां एक मंदिर है जिसको झाड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है, और वहां पहला स्टॉपेज होगा, और वो स्थान एक रात के लिए श्री क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा, यानी प्रसाद बनेगा, पूजा होगा, भक्त भक्ति के भाव में खो जाएंगे। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात है, झाड़ेश्वर मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसमें नमक नहीं डाला जाता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने शपथ लिया है जब तक प्रभु जगन्नाथ वहां पहुंच नहीं जाते तब तक प्रसाद में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाखों लाखों भक्त एकत्रित होंगे कहां, बड़ो चौड़ा से लेके छतिया धाम तक भीड़ जम जाएगी। प्रभु जो आए हैं भक्त भला उनसे दूर कब तक रह पाएंगे? और सिर्फ उड़ीसा के भक्त नहीं, पूरे भारतवर्ष के बल्कि पूरे विश्व से कई सारे भक्त एकत्रित होंगे। और अगर आप भी सच्चे भक्त हैं आप भी वहां मौजूद होंगे। ये मत सोचिए कैसे, पहुंचाने वाला आपको सही समय सही स्थान में पहुंचा देगा। दिल दिमाग आत्मा में सिर्फ भक्ति होनी चाहिए, बाकी चीजें कल्कि एवं बलराम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उद्धार करने तो वही आए हैं ना। भगवान यानी अवतार कोई आश्रम के अंदर सीमित नहीं है दोस्तों, कल्कि और बलराम इस सृष्टि को उद्धार करने आए हैं, सृष्टि में मौजूद उनके भक्तों को उद्धार करने आए हैं। उनके आगे हर एक भक्त महत्व रखता है, कोई
भेदभाव नहीं होता है। और तो और इस कलयुग के अंतिम कालखंड में ये दिव्य ज्ञान हर दिन में आप तक पहुंचा रहा हूं, वो भी उसी प्रभु की इच्छा से। अगर इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप परिवर्तन को ग्रहण नहीं करते तो इसमें ना ही भगवान की गलती होगी ना ही मेरी। तो आइए दोस्तों, आज शपथ करते हैं कि भाग्य का निंदा करने की जगह हम भक्ति करें, सत्य का पालन करें, धर्म की राह पर चलें, अपने आहार विहार आचार विचार में शुद्धि लाएं ताकि आगे कुछ अच्छा फल प्राप्त हो सके, ताकि इस बड़े से समाज में, इस कलिग्रासित समाज में एक छोटा सा बदलाव का भाव आ पाए, ताकि एक नए युग का आरंभ जल्दी से हो पाए। तो दोस्तों, झाड़ेश्वर कढ़ई में एक रात बिताने के बाद प्रभु छतिया के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर क्या होगा? क्या कल्कि और बलराम युद्ध करेंगे? कहाँ होंगे? क्या लीला होने वाली है? जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।